हेलो फ्रेंड्स, केमिति अछंते आपो माने। आज हमें ने छु जनरल नॉलेज रो 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाके आपन करो फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, एलएसआई, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एग्जाम सहित ई सब एग्जाम पई बहुत बहुत इंपोर्टेंट हेबो। एहर पीडीएफ पई आपन माने हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जानतु, जार लिंक हमें वीडियो डिस्क्रिप्शन रे देय छु। वीडियो जे आपन को हेल्पफुल हुए तबे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मध्य करनियंतु। तो फ्रेंड्स चलंतु आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लोर करनेबा। तो आज वीडियो रहइबो जनरल नॉलेज रो पार्ट 22 वीडियो। आ प्रीवियस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो गुडा को यदि आप माने देखिनाती तबे एई प्लेलिस्ट को विजिट करि देखि परबे, जाकि आपन को कमिंग एग्जाम पई बहुत बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो चलंतु आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लोर करनेबा। तो क्वेश्चन नंबर 601 हैला ऑन व्हिच रिवर इज भाखरा डैम बिल्ड। हमर भाखरा डैम को रिवर कूल रे तैयारी होई छी। एसो ऑप्शन दे छी, ऑप्शन देख के एहर उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट करले एबे चलंतु सटीक उत्तर जानबा। तो सटीक उत्तर हैला ऑप्शन नंबर सी, जेउटी कहला सतलेज। सतलेज नदी तीरे आमर भाखरा डैम तैयारी हो। सतलेज कौटी जोटा कि आम हिमाचल प्रदेश रे अच्छी, जोटा कि आम इंडिया गोटे वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 602 को जीवा, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया रो एरिया केते यानि कि इंडिया क्षेत्रफल केते, ये सब ऑप्शन दे, ऑप्शन देखिकि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सटीक उत्तर जानबा। तो सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर सी, जोटा कहला 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो चलंतु आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 603 क्वेश्चन को जीवा, व्हेन डिड अमेरिका ड्रॉप्स एटम बम इन हिरोशिमा जापान। जापान रे केबे आटम बम अमेरिका पकेथिला, ए सब ऑप्शन देची, ऑप्शन देखि कि आर उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट करले एबे चलंतु सटीक उत्तर जानबा। तो सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर डी, जटा केला 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 रे आमर अमेरिका जापान रे हिरोशिमा ठारे आटम बम पकेथिला, जोटा कि वर्ल्ड वार टू समय पकईला। आई आटम बम राम कौन थी, जोटा कि नाम थिला लिटिल बॉय। तो क्वेश्चन नंबर 604 को जीवा, हु वोट्स इन इलेक्शन। इलेक्शन रो मैंने वोट दिखती, जोटा कि सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर सिटीजन जो मैंने होती जो मान बयस 18 वर्ष रु ऊर्ध होता। तो क्वेश्चन नंबर 605 को जीवा, हु वाज द फास्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा रो प्रथम गवर्नर किए, ये सब ऑप्शन देची, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सटीक उत्तर जानबा। तो सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी, जोटा गला धानिक लाल मंडल। धानिक लाल मंडल जे कि हरियाणा रो प्रथम सीएम थिले, केबे होतिले 21 मार्च 1967 मसीह। तो एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 606 को जीवा, व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। क्यों इमेजिनरी लाइन यानि काल्पनिक रेखा जोटा कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को कनेक्ट करता है, यानि कि जब पृथ्वी एटा हुए पृथ्वी रो नॉर्थ पोल आउ साउथ पोल को कौ इमेजिनरी लाइन कनेक्ट करता है, ये सब ऑप्शन देची, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सटीक उत्तर जानबा। तो यार सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी, जोटा कहला प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जोटा कि गोटे इमेजिनरी लाइन जोटा कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को कनेक्ट कर पासेज थ्रो द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच लंडन, जोटा कि कहा द्वारा पास होइछि ग्रीनविच लंडन रे पास होइछि से लाइन टी। तो क्वेश्चन नंबर 607 को जीवा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
व्हेन एंड हु आजाजिग्नेटेड महात्मा गांधी किए आउ केबे महात्मा गांधी को हत्या करथिले एसब ऑप्शन देची ऑप्शन देखिकि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा तो सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी जोटा कला 30 जनवरी 1948 मसीहा रे नाथुराम गोडसे जेकि महात्मा गांधी को हत्या करथिले क्यों ठारे न्यू दिल्ली ठारे तो एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 68 को जीवा व्हिच ग्रेन इज कंज्यूम्ड द मोस्ट इन इंडिया एमानक भीतर को ग्रेन को खाद्य को इंडिया रे अधिक परिमाण रे कंज्यूम करा जाय थाए आंसर कमेंट करंतु आंसर कमेंट करले एबे चलंतु सटीक उत्तर जाय नबा तो यार सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी जोटा कहला राइस राइस को इंडिया रे प्रचुर परिमाण रे माने कंज्यूम कराय थाए क्रुशियल रोल इन इंडियन क्यूजिन तो क्वेश्चन नंबर 609 को जीवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड केबे आर्मी डे सेलिब्रेशन करा जाय थाए ए सब ऑप्शन देची ऑप्शन देखिकि आर उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा तो सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर सी जटे कले 15 जनवरी 15 जनवरी रे हमर आर्मी डे सेलिब्रेशन करा जाय थाए आ एथिरे कोन होताय हमर कमांडर इन चीफ को तांको जन्मदिन अनुसार एटा सेलिब्रेशन करा जाय छी तो क्वेश्चन नंबर 610 को जीवा द टेंपल्स ऑफ दिलवारा लोकेटेड इन माउंट आबू राजस्थान आर रिलेटेड टू व्हिच रिलीजन आमर माउंट आबू रे जो दिलवारा टेंपल अछि ता को रिलीजन सहित जड़ित ए सब ऑप्शन देची ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट करले तालन तो एबे सठिक उत्तर जानवा तो सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर सी जटा केला जैनिज्म जैनिज्म धर्म सहित आमर दिलवारा टेंपल जड़ित जोटा कि माउंट आबू राजस्थान रे अछि तो क्वेश्चन नंबर 611 को जीवा ऑन व्हिच रिवर इज हीराकुद डैम बिल्ड को नदी तीर आमर हीराकुद डैम तैयारी होई सब ऑप्शन देची ऑप्शन देखिकि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा तो सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर डी जोटा कहला महानदी महानदी तीर आमर हीराकुद डैम तैयारी होई जोटा कोठे अछि आम ओडिसा रे अछि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड वर्ल्ड रो सबटु लॉन्गेस्ट डैम जदि कहा जिवो सेटा को महानदी रो हीराकुद डैम जोटा कि फ्लड कंट्रोल इरिगेशन पावर जनरेशन पई व्यवहार कराउची तो क्वेश्चन नंबर 612 को जिबा हु बिल्ट जामा मस्जिद इन दिल्ली हमर जे जामा मस्जिद सेटा किए तैयारी करथले ए सब ऑप्शन देची ऑप्शन देखिकि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा तो सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर सी जटा केला शाहजान शाहजान हमर जामा मस्जिद तैयार करथले वन ऑफ द लार्जेस्ट मस्क्यू इन द इंडिया के बिल्ड करथले शाहजान इन दिल्ली केबे 1656 मसीहा रे तो एबे क्वेश्चन नंबर 613 को जीवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द विंटर सीजन रे सबटो हाईएस्ट सिविलाइजेशन सिविलियन अवार्ड कौन ए सब ऑप्शन देची ऑप्शन देखि के यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट करले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा तो सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर सी जटा कहला अशोक चक्र होची आमर इंडिया रे हाईएस्ट सिविलाइजेशन सिविलियन अवार्ड इन विंटर सीजन तो क्वेश्चन नंबर 614 को जीवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हेयर इज द नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड आम नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट केउठारे अछि ए सब ऑप्शन देची ऑप्शन देखि के यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट करले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा तार सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी जटा कहला
कर्नल हरियाणा। कर्नल हरियाणा ठारे द नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NDRI अछि। एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 615 को जिबा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट सर्मन गिवन बाय लॉर्ड बुद्ध एट सारनाथ कॉल्ड इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म धर्म रे गौतम बुद्ध प्रथमे को उपदेश देथिले, को सर्मन देथिले, ए सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु। तांकर प्रथम उपदेश को कोन कहयौथला, तो सटीक उत्तर चलंतु जानवा। सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर डी, जटा केला धर्मचक्र प्रवर्तना। तो धर्मचक्र प्रवर्तना जटा के तांकर फर्स्ट उपदेश थिला, फर्स्ट सर्मन बाय लॉर्ड बुद्ध एट सारनाथ नून एज धर्मचक्र प्रवर्तना। तो क्वेश्चन नंबर 616 को जीवा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन इज एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड। केबे एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन करा जाय थाए, ए सब ऑप्शन देची। ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट करले एबे चलंतु सटीक उत्तर जानवा। तो यार सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी, जोटा केला 8th October। 8th October रे आमर एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन करा जाय थाए एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। काहीं सेलिब्रेशन करा जाय थाए, इट इज ए डे ऑफ हॉनर्स कंट्रीब्यूशन एंड सैक्रिफाइस ऑफ द एयर वॉरियर। आमर जो एयर वॉरियर अछंती, जो माने सैन्य बाहिनी, सेमानकर सैक्रिफिकेशन, सेमानकर कंट्रीब्यूशन को आमर हॉनर करबा पई, सम्मान देबा पई ए डे सेलिब्रेशन करा जाय थाए। तो क्वेश्चन नंबर 617 को जीवा। इन व्हिच सिटी डिड द 3 हिस्टोरिकल वार्स of 1526, 1556, 1761 take place। कौ सिटी रे आमर जो पानीपत युद्ध होता 1526, 1556, 1761, 1761 कौ सिटी रे सही गुवाहाटी होता। ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सटीक उत्तर जानवा। तो सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर सी, जोटा केला पानीपत इन हरियाणा। हरियाणा रे ए युद्ध होतिला जोटा कि पानीपत युद्ध 1, पानीपत 2, पानीपत 3, ए तीनटी नाम रे परिचित थिला। तो क्वेश्चन नंबर 618 को जीवा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तेलंगाना स्टेट हैज रिसेंटली बीन सेपरेटेड फ्रॉम व्हिच स्टेट। आमर तेलंगाना स्टेट को स्टेट रु अलग होई। तो ये सब ऑप्शन देची, ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट करले एबे चलंतु सटीक उत्तर जानवा। तो सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी, जोटा केला आंध्र प्रदेश। तेलंगाना स्टेट जोटा के आंध्र प्रदेश रो अलग होची, केबे अलग हला, जोटा केला 2 जून 2014 रे एटा अलग हो कि 29 स्टेट ऑफ इंडिया हे गला। तो क्वेश्चन नंबर 613 को जीवा। व्हिच सी इज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। आमर इंडिया मैप रो कोउ ठारे ए जे वेस्ट एरिया रे कोउ सी अछि। तो आंसर कमेंट करंतु। आंसर कमेंट करले एबे चलंतु सटीक उत्तर जानवा। तो सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी, जोटे केले अरेबियन सी। इंडिया रो वेस्ट पार्ट अछि अरेबियन सी, ईस्ट रे अछि बे ऑफ बंगाल, आउ एठे इंडियन रिवर, इंडियन सी अछि। तो क्वेश्चन नंबर 614 को जीवा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को रो हेडक्वार्टर कोठे अछि, ए सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर कमेंट करले एबे चलंतु सटीक उत्तर जानवा। तो सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर सी, जोटा केला पेरिस। पेरिस रो फ्रांस रे आमर यूनेस्को रो हेडक्वार्टर यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी फ्रांस रे। तो क्वेश्चन नंबर 615 को जीवा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश। केबे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश यानी कि स्थापना हला, ए सब ऑप्शन देची। ऑप्शन देखिकी उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सटीक उत्तर जाय नबा। तो सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर डी, जोटा केला 1995।
1995 मसीह रे WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हैला केबे जनवरी 1 1995 रे। तो एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 616 को जीवा। हुज कंट्रीब्यूशन इज द किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आमर एजुकेशन रे जो किंडरगार्टन या KG1 KG2 रोजी एटा कार कंट्रीब्यूशन ये जो ऑप्शन देची ऑप्शन देखिक यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा। तो सठिक उत्तर हैला ऑप्शन नंबर सी जटा गेला फेडरिक फ्रोबेल। फेडरिक फ्रोबेल जे कि जर्मन रो जे एजुकेटर जहाँ कंट्रीब्यूशन रे किंडरगार्टन सिस्टम बाहर थिला। तो से यंग चिल्ड्रन मानको यानको शिशु मानको पई एई एजुकेशन बाहर करथले एई सिस्टम। एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 617 को जीवा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हेन वाज एनसीईआरटी एस्टेब्लिश। केबे एनसीईआरटी एस्टेब्लिश हैला ए सब ऑप्शन देची ऑप्शन देखिक उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जाय नबा। तो सठिक उत्तर हैला ऑप्शन नंबर सी जटा केला 1961। 1961 मसीह रे द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT स्थापन होगा यानी कि सेप्टेम्बर 1961 मसीह एस्टाब्लीश होता जहाँकि आम एजुकेशनल सिस्टम को कौन करोल कर गवर्न कर। क्वेश्चन नंबर 618 को जीवा। इन हुज कोर्ट वाज तानसेन ए म्यूजिशियन। कार कोर्टे कार दरबार में तानसेन जन म्यूजिशियन थे। ये सब ऑप्शन देची ऑप्शन देखिक यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा। तो यार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन नंबर सी जोटा गल अकबर। अकबर को दरबार रे तानसेन जन थिले म्यूजिशियन ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन जे कि म्यूजिशियन थिले आ मुगल एम्पायर थिले आ भलो म्यूजिक मते प्ले करथिले। एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 619 को जीवा। हु वाज अकबर्स गार्डियन फॉर 6 इयर। 4 वर्ष धरी अकबर गार्डियन किए थे। ये सब ऑप्शन देची ऑप्शन देखिक यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा। तो यार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन नंबर सी जटा गला बैराम खान। बैराम खान जे कि 4 वर्ष धरी अकबर गार्डियन सर्व करते। तो एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 620 को जीवा। पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू हुईच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आमर पंडित रविशंकर अच्छा जे से कौ इंस्ट्रूमेंट सहित जड़ित कौ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्ले करती। एनसर कमेंट करूँ। एनसर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जाए नवा। तार सठिक उत्तर है अपसन नंबर बी जो गला सितार। पंडित रविशंकर जे कि सितार प्ले करती सितार भेटियो। एवं चलतु क्वेश्चन नंबर 621 को जीवा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेनाल्टी कर्नर इज रिलेटेड टू हुईज स्पोर्ट्स। आमर पेनाल्टी कर्नर कौ स्पोर्ट्स सहित जड़ित। ये सब ऑप्शन देची ऑप्शन देखिक यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा। तार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन नंबर सी जोटा गल हॉकी। हॉकी खेल रे आमर पेनाल्टी कर्नर टर्म को व्यवहार कराई थाए। तो एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 622 को जीवा। व्हाट इज द कॉज ऑफ विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया। आमर नॉर्दर्न इंडिया रे शीत दिनिया रेनफॉल हबार कारण कौन। ये सब ऑप्शन देची ऑप्शन देखिक यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा। तो यार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन नंबर सी जोटा गला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो वेदर विंटर सीजन रे नॉर्दर्न इंडिया रे आमर मेघ होता है रेनफॉल होता है। तो एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 623 को जीवा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिउधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू व्हिच गेम। आमर जो दिउधर ट्रॉफी अच्छी कौ गेम सहित जड़ित। ये सब ऑप्शन देची ऑप्शन देखिक यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा। तार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जोटा गला क्रिकेट। दिउधर ट्रॉफी जोटा कि क्रिकेट सहित जड़ित।
तो क्वेश्चन नंबर 624 को जीवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया रशिया रो करेंसी कौन ये सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु जेमति इंडिया रो करेंसी रूपी से भली रशिया रो करेंसी कौन आंसर कमेंट करले एबे चलंतु सठिक उत्तर जनबा तो सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर सी जोटा केला रूबल रशिया रो करेंसी हला रूबल जाकु आर यू बी भावे अब्रेविएशन करंती जार सिंबल हला एटा तबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 625 को जीवा व्हिच वाज द फेमस पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन रो फेमस पोर्ट कौन तो ये सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा तार सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी जोटा कला लुथल लुथल हला फेमस पोर्ट कहार इंडस वैली सिविलाइजेशन रो तो क्वेश्चन नंबर 626 को जीवा हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म जैनिज्म रो जैनिज्म धर्म रो प्रथम तीर्थंकर किए ए सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा तार सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी जोटे कला ऋषभ देव जो कि अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन ऋषभ देव कंसीडर द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म जहाँ को आम कौन कही था आदिनाथ मध्य कही था एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 627 को जीवा व्हेयर वाज गौतम बुद्ध बोर्न आमर गौतम बुद्ध केउठारे जन्मग्रहण करथिले ए सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखिकी यार आंसर कमेंट करंतु आंसर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जनबा तो सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर सी जटे गेला लुम्बिनी नेपाल लुम्बिनी ठारे एनके नेपाल देशर लुम्बिनी ठारे से जन्मग्रहण करथिले तो क्वेश्चन नंबर 628 को जीवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉर्ड महावीर वाज व्हिच पिलग्रिम ऑफ जैनिज्म आमर लॉर्ड महावीर जे से जैनिज्म रो को पिलग्रिम अछंती केते तम पिलग्रिम आंसर कमेंट करंतु आंसर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा तार सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी जोटा केले 24 तम पिलग्रिम लॉर्ड महावीर इज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म प्लेड क्रूशियल रोल इन द प्रोपागेशन ऑफ जैन प्रिंसिपल तो 24 तम तीर्थंकर थिले छे क्वेश्चन नंबर 629 को जीवा इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कर नाम कौन इंडियार प्रथम वुमेन राष्ट्रपति किए थे आंसर कमेंट करंतु आंसर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जाय नबा तार सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी जटा गेले प्रतिभा पटेल प्रतिभा पटेल जे कि प्रथम महिला राष्ट्रपति थिले इंडिया रो 12वां महिला प्रेसिडेंट थिले जे केबे 2007-2012 भितरे तांकर सर्विस देथिले एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 630 को जीवा कटक इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर कटक को रिवर कुलर अछि ए सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा तार सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर सी जटे गेले महानदी महानदी तीरे कटक अछि तो क्रूशियल रोल प्ले करछु लाइफ रीजन को तो ये थिला आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि आप एग्जाम पे बहुत बहुत इंपोर्टेंट तो यार वीडियो पे आपण माने आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जाते जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन रे दे अछु आ वीडियो दे आप हेल्पफुल तबे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर नियंतु तो यही टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रो वीडियो देखापी आप प्लेलिस्ट को विजिट करूँ जो थे आप 1000 जीके सीरीज पाइपारे जहाँकि एग्जाम पे बहुत बहुत इंपोर्टेंट हे तो फाइनल कह थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।